So, हम लोग कल जो सीख रहे थे वायदे का युग है. वायदे के युग में हमने देखा वो विषय, एक आदमी अब्राहम, उसके द्वारा एक परिवार और उसके द्वारा एक देश, परमेश्वर का काम का तरीका. एक व्यक्ति को चुनकर अलग किया, संतान दिए और उस एक व्यक्ति को जो चुना है उसको परमेश्वर ने क्या दिया है, वायदे, प्रोमिसेस. और परमेश्वर बोलता है आई विल. और उसके बाद हमने देखा उस एक, और ये मैप में हमने देखा किस प्रकार वो ऊर से लेकर कनान में लेकर आया, एक व्यक्ति को उधर से निकाल कर ला रहा. फिर हम देखते हैं एक अब्राहम, उसके द्वारा इसाक, याकूब और उसके बाद ये उसके 12 बेटे, और अब एक इसके द्वारा देश आया. एंड देन द प्रॉमिस जो परमेश्वर ने उनको दिया, मैं आई विल मेक ऑफ दी अ ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस दी एंड मेक thy नेम ग्रेट एंड thou shall बी अ ब्लेसिंग, आई विल ब्लेस them दैट ब्लेस दी एंड curse him दैट curseth thee. सो जो परमेश्वर बोलता है आई विल, या मैं करूंगा, देवांगा, करांगा, कर सकता है? कर सकता है? तो बस उधर आती है बात, मैंने परमेश्वर के इस वचन पर क्या करना, विश्वास करना. हम कल, मैंने बोला रूपला जी कल शाम को 3 बजे हम मिलेंगे, आपने तो बड़ी जल्दी मेरा विश्वास कर लिया. लेकिन परमेश्वर जब बोलता है मैं करांगा, हमें क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता. कारण उसका एक ही कारण है, मेरे अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं जो मुझे विश्वास करने देती नहीं. अगर मेरे विषय में अगर प्रभु बोल दिए मैं तेनु एक कार देवांगा, वो बड़ी जल्दी विश्वास हो जाएगा. लेकिन मैं तेनु आशीष देवांगा बोलने वक्त तो हम एकदम सोचते हैं आशीष क्या है, मकान, घर, पैसे, यही है हमारे लिए आशीष. समझ में आ रहा है? जबकि ये असली में कूड़ा है. अगर ये आशीष हो तो दुनिया का सबसे आशीष वाला व्यक्ति कौन है? अविश्वासी. विश्वासी नहीं, कौन? अविश्वासी. सो हमें परमेश्वर जब बोल रहा है आशीष, उसका मतलब क्या है, क्या चीज है आशीष? मुख्य बात है मेरा परमेश्वर के साथ का उस संबंध, वो है सबसे बड़ी आशीष. मुझे परमेश्वर मिल गया, इससे बढ़कर और कोई आशीष है नहीं. वो मिल गया ना, सबसे बड़ी आशीष वही है. बाकी दुनिया की जो भी चीजें, ये सब क्या है, कूड़े. सो इन दी शैल ऑल फैमिलीज ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड. ये किसके विषय में है? इसके अंदर कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा, जिसके कारण सारा दुनिया क्या पाएगा, आशीष पाएगा. सो अब देखते हैं, वही आई मेक ए ग्रेट नेशन, ए ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रेट प्रोटेक्शन, अ ग्रेट सेवियर, है ना. एक बड़ी जाति, बड़ी आशीष, बड़ी सुरक्षा, और क्या है, बड़ा उद्धार करता. ये चार को आप देखने थे, और किसी चीज का चिंता करने की जरूरत है? सब कुछ कवर हो गया. अब इतना देने के बाद भी दुख क्या है, इंसान क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा. अब्राहम नहीं चल पा रहा, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं चल पा रहा. 12 बेटे जो थे ये भी क्या नहीं किए, चल नहीं पाए. इन्होंने यूसुफ को क्या कर दिया, बेच दिया. और फिर इसराइली मिस्र में जब रह रहे, परमेश्वर बोला वापस लेकर जाऊंगा, तो भी जाने का मन है नहीं. फिर भी रोते धोते जाने का मन नहीं है. परमेश्वर आज्ञा दिया था, डर के मारे किधर बैठे इन लोग, घर के अंदर बैठे. नहीं तो इन लोगों को तो घर के अंदर बैठने का प्रोग्राम नहीं. अगर पहलो तो अगर मिस्र के ऊपर इतनी विपत्ति ना डाला होता तो ये इसराइलियों ने घर के बाहर क्या नहीं लगाना था, खून लगाना ही नहीं था. ये तो मूसा के ऊपर बिगड़ गए थे, शुरू में बड़े बेदार हो गए और बाद में क्या हो गए, मूसा पर बिगड़ गए. सो लेकिन परमेश्वर इनको उधर से कैसे निकाला, देख परमेश्वर ने वायदा किया है, हम विश्वास ना करें तो भी वो वफादार है. समझ में आया? अब मैंने रूपलाल जी या निर्मल जी को मैंने वायदा किया था कि मैं आपको एक शर्ट खरीद कर दूंगा,
बीच में हम दोनों के झगड़ा हो गया, शर्ट दूंगा। परमेश्वर का आदत क्या है, झगड़ा हो गया तो भी, खूब झगड़ा हो गया, मारपीट तक हो गया तो भी अगले दिन शाम को मैं बोलता हूं निर्मल जी शर्ट, क्यों? बोला था ना झगड़ा हो गया तो क्या है, मैंने वायदा किया था ये पकड़ो। इसी तरह अब्राहम और सारा ने मिलकर हाजरा के द्वारा इश्माइल लाया, ठीक टाइम पर परमेश्वर ने किसको दिया, इसहाक को दिया। सो उससे हमें, मैं जब वो वचन सीखता हूं ना परमेश्वर के आदत को, और वचन में हमने पढ़ा वो कभी झूठ बोलेगा नहीं, तो अगर उनके साथ ऐसे किया तो क्या मेरे साथ नहीं करेगा? आज तक हमें चलाया क्यों? क्योंकि वो वफादार है, वही है उसका वफादारी, उसका विश्वास योग्यता। इसलिए कल हमने देखा वो हमारे उद्धार के विषय में है ना, कल हमने वो आके अनंत जीवन में वायदा किया है, हमें उद्धार का वायदा किया है, पाप से माफी का वायदा किया है, हमें सुरक्षित रखेगा मसीह में उसका वायदा है, परमेश्वर देखभाल करेगा उसका वायदा है, परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहेगी उसका वायदा है, और वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करेगा उसका भी वायदा है, वो हमारा बल है करके वायदा है, वो हमारी सहायता करेगा करके भी वायदा, और अगर हम पाप मानेंगे तो हमें ये सब, जब इतने वायदे स्पष्ट लिख कर दिए हैं, मैंने सिर्फ क्या करना है, मानना, विश्वास करना है बस, तब ये वचन मेरे अंदर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। सो लेकिन ये जब चल नहीं पाए, परमेश्वर इनको किधर लेकर जा रहा है, ये जरा देखिए ना, जाना किधर था, ऊपर वो पीला लाइन दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर इनको किधर लेकर जा रहा है, वो मिद्यान में। समझ में आया आपको, जाना कहाँ है, इधर, तो परमेश्वर इनको मिस्र से किधर लेकर आ रहा है, इधर लेकर आया, इधर क्यों लेकर आ रहा, ताकि अब तुमने मिस्र में मेरे सामर्थ को तो देखा है, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं, यू हैव सीन माई पावर बट यू डोंट नो हू आई एम। अब्राहम के साथ परमेश्वर बातें करता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या देखा है, परमेश्वर की सामर्थ। सो हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट और मुसीबतें ये सब आने क्यों देता है, ताकि हम उसको करीबी से क्या करें, जाने। तो इधर लेकर जब आया, अब इधर अगला युग शुरू होने वाला, कौन सा युग समाप्त हो रहा है, वायदे का युग समाप्त, लेकिन वायदे समाप्त नहीं हुए। देखिए एक एक युग खत्म हो गया, लेकिन उस युग में दिए हुई बातें क्या नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। एग्जाम्पल, आदम को बोला था ना राज्य करने के लिए, विवेक का युग आया, विवेक तो खत्म तो नहीं हुआ, मनुष्य को राज्य करने का अधिकार दिया, आज भी तो कौन राज्य कर रहा है, मनुष्य कर रहा है ना, वायदे दिए, वायदे खत्म तो नहीं हुए, लेकिन अब उसे एक स्टेप ऊपर परमेश्वर लेकर जा रहा, एक स्टैंडर्ड और ऊपर। सो अभी कौन सा युग आ रहा है, अब व्यवस्था का युग परमेश्वर देने जा रहा, वो व्यवस्था का युग है, उसका शुरुआत कब से है, सीनाई पहाड़ से लेकर, जिधर इनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिए, वहां से लेकर क्रूस तक का समय है, फ्रॉम साइनाई टू द क्रॉस। कौन सा युग आ गया, पांचवा, पहला अज्ञानता, नंबर दो विवेक, नंबर तीन मनुष्य का राज्य, नंबर चार वायदा, नंबर पांच क्या है, व्यवस्था का युग आ गया, द डिस्पेंसेशन, सीनाई टू द क्रॉस। Oh, okay. No, that's not number four. I'll just correct it. It's not number four. It's number five. Okay. Yes. It's number five. Okay, thank you. Correct. Okay, yeah. So, yeah. Panchwa number hai. Vyavastha ka yug. Theek hai? So, ye yug shuru hone ke pehle,
परमेश्वर इनसे बोल क्या रहा है। पढ़िए निर्गमन 19 उसका 4। एक्सोडस 19:4 कुछ अध्याय 19 ओदी 4 है ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਬ ਇਧਰ ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੌਨ ਸਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ। ਇਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ ਯੁਗ ਕਾ ਬਾਤ ਆਪ ਸਮਝਣਾ, ਲਗਭਗ 1500 ਸਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ ਯੁਗ ਥਾ। 1500 ਈਅਰਸ was the dispensation of the law. बड़ा लंबा एक युग है। कितने साल? लगभग 1500 साल है व्यवस्था का युग। सो ये युग शुरू होने का, अब आप ध्यान रखना ये व्यवस्था का युग का खूबी क्या है। परमेश्वर इनको क्या दे रहा है? व्यवस्थाएं दे रहा है। और इस युग में इन लोग का क्या हुआ? पुराने नियम का मैक्सिमम किताबें कौन से युग में लिखे गए? इस युग में लिखे गए। मैक्सिमम बोलने से पिछले युग में कितने किताब हो गए थे? सिर्फ एक। आउट ऑफ 38 बुक्स कौन से युग में लिखे गए? व्यवस्था के युग में। और 39 में से 38 किताब इस युग में। समझ में आ रहा है? और ये युग था जिसमें इसराइल, अब वायदे का युग जब समाप्त हो रहा है, इसराइल एक देश बन गया? इसराइल देश बन गया वायदे का युग के समाप्ति में? नहीं बना। वायदे का युग का समाप्ति में सिर्फ इसराइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला ही है। वुड नॉट बिकम ए नेशन। अब इस युग में ये एक नेशन बन गया। मरुभूमि में आप लोग जब देखने वक्त, इन लोग जब मिस्र से निकले थे ना, सब डंडे लेके निकले, काम क्या करते थे उधर? आप ध्यान रखना, जब जोसेफ मिस्र में गया, कैसे गया? गुलाम। उससे पहले आप देखिए अब्राहम किधर था? ऊर। कनेक्ट करना, ऊर से अब्राहम कोई बच्चे नहीं है। 13 के साथ हारान, हारान के बाद कानान, एक आदमी अकेला आ रहा। कुछ सालों के बाद इसी आदमी का पोता है ना, पोता पोता नहीं पर पोता, जोसेफ किधर जा रहा है? मिस्र में। कौन ले जा रहा है? परमेश्वर खुद लेकर जा रहा। परमेश्वर ऊर से कनान में लाया। इस बीच में अब्राहम मिस्र में वगैरह खुद अपनी मर्जी से गया, परमेश्वर लेकर नहीं गया, खुद गया। लेकिन यूसुफ को कौन लेकर गया? परमेश्वर। किधर ले जा रहा है? मिस्र में ले जा रहा। यूसुफ गुलाम होकर गया, उसके पीछे उसके घर के सब लोग मेहमान बनकर गए। मिस्र से रथ आया था किनको ले जाने के लिए? याकूब को लेकर जाने के लिए। चैरिट हैड कम ऑल द वे फ्रॉम इजिप्ट। कैन यू सी गॉड वर्किंग? शुरू में देखने से मालूम नहीं चलता क्या है ये, समझ में आया? शुरू में देखेंगे तो एक बूढ़ा, एक 75 साल का आदमी या लगभग 70, पता नहीं कितना है, क्योंकि हारान में हमें मालूम है उधर 75 साल थी जब हारान से अब्राहम निकला। एक आदमी अकेला जा रहा। किसने कभी सोचा था कि इसके द्वारा एक नेशन आएगा? ये इसराइल देश का बाप कौन है? अब्राहम ना। इसी तरह आपको अभी देखने वक्त तो कुछ लगता ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बड़े प्रोग्राम से लाया है। समझ में आ रहा है? वायदे के युग में कैसे लग रहा है? गॉड इज मूविंग देन। इसी तरह ना आपको गॉड ब्रिंग्स यू टू वैंकूवर, अब नेक्स्ट ही इज टेकिंग यू समवेयर, मे बी यू डोंट हैव टू वरी, देयर इज समवन एट वर्क।
Look at Abraham. उसके बीच में कितनी बातें हो गई. अब्राहम मिस्र गया, निकाला. अबीमेलेक के पास गया, निकाला. वाचा बांधा. इजाक, इजाक भी चला गया, पकड़ कर लाया. याकूब सब कुछ किया. और देखिए परमेश्वर काम कैसे करता. That's the reason हम जब प्रार्थना करते हैं, we know one thing, एक बात मालूम है, वो विश्वास योग्य है. इसलिए मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं. वो ऊपर का पिक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आप बहुत परेशान हो जाएंगे. आज ज्यादातर विश्वासी परेशान क्यों है, बाइबल है तो भी उनको है ना ऊपर का परमेश्वर का तस्वीर समझ में नहीं आया. एक बर्ड्स आई व्यू बहुत जरूरी है. चिड़िए की नजर से आपने देखना है. चिड़िए का नजर बोलने से पूरा आपको पिक्चर साफ दिखाई देगा. तो इधर हम लोग देखने वक्त वायदे का युग में लुक एट हाउ गॉड वायदा देकर चला रहा. और अब इन लोग मिस्र में आए, कैसे आए, मेहमान बनकर. यूसुफ नंबर दो था. बाद में अब वायदे का युग समाप्त हो रहा है, इन लोग क्या बनाने लगे, ईंट बनाने लगे. अब ईंट बनाने के बाद इन लोग को प्रभु ने फिर मूसा वगैरह का सब मैं उसमें नहीं जा रहा, मिस्र से निकाला. ये जब मिस्र में गए कितने लोग थे, ये पहला इनका व्यक्ति मिस्र में आया, कितने थे, यूसुफ अकेला. इसमें और भी बात है, उसी मिस्र में ना अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को दे दिया था पैलेस में. उसी पैलेस में, उसी पैलेस बोलने से वही फरो के महल में मूसा आ गया. परमेश्वर का प्रोग्राम आपको समझ में, आर यू एबल टू ग्रास्प. अब्राहम डर गया था और इसी फरो ने अब्राहम की बीवी को ले लिया था और परमेश्वर ने छुड़ाया. बाद में उसी महल में फरो ने आज्ञा दे दिया, सारे मिस्रियों के पहलोटों का क्या कर दो, मार दो. उसी महल में कौन पल रहा है, मूसा पल रहा. एंड देन दीज आर ऑल थिंग्स. आपने ये चीजों को बाद में मनन करना, ये सब्जेक्ट आप आराम से, तब आप है ना आराम से आपका घुटना कांपेगा, आप गिर जाएगा, हे प्रभु मैं क्यों परेशान. और आखिरी में अभी मूसा भी इसराइली निकल रहे हैं, निकलना तो चाहते नहीं थे, डंडा मार कर निकाला. ऑर्गेनाइज है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, मिली जुली झुंड. आए थे पहले एक, फिर आए 70, और जब उधर से निकले तो कितने, लगभग 32 लाख. कितने आए थे जी, एक पहला. 44 की बीबी ने बोला ये मेरे साथ उल्टा सीधा काम करता था, वो बेचारी को कोई आइडिया नहीं है, तेरे घर में जो बर्तन मांझता है ना, ये बर्तन मांझने नहीं आया, इसको परमेश्वर बड़े मतलब से लाया. इसी तरह आपको और मुझे भी परमेश्वर इधर जब लाया है ना, देखने में तो मैं ऐसे ही लगते हैं किसी काम के नहीं. कोई गाड़ी चला रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, आप क्या करते हैं, ऑफिस पूरा साफ कर रहे हैं ना, आप किसी की गाड़ी चला, लोग सोचते हैं ऐसे ही हैं. अब्राहम जब कनान में पहली बार आया, उधर के लोग बोलते हैं पता नहीं ये बुड्ढा कहां से आया, किसके लिए आया, उन बेचारों को कोई आइडिया नहीं ये इधर का मालिक है. इसलिए अपने बुलाहट को पहचानोगे ना तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे. मेक श्योर योर गिव डिलीजेंस टू मेक योर कॉल एंड इलेक्शन श्योर. समझ, हिस्ट्री है ना, ये किसी की कहानी तो नहीं, इतिहास है ना. सो अभी आप देखिए इधर से इन लोगों को जब निकाला कितने निकल रहे हैं, 32 लाख. और जा रहे किधर हैं, उधर हमारे बाबूजी फरो को लगा ये तो मुर्गा फंस गया. लाल समुद्र में जब जाके सामने खड़े हो गए तो फरो क्या सोचा, मुर्गा फंस गया. परमेश्वर बोला आजा बच्चे आजा, तेरे को समाप्त करके ही. परमेश्वर खींच कर फरो को लाया, उसको सही में बपतिस्मा दे दिया. किधर, इनके पहलोटों को क्यों मारा, इसराइली के कितने बच्चों को लाल समुद्र में फेंका, लाल समुद्र नहीं नील नदी में फेंका है. यानी मेरे और आपके लिए जलन रखने वाला परमेश्वर है. बोलो, ईंट बनवाया ना, ईंट बना के सोना चांदी सब लेकर आए, खाली हाथ लाए, खाली हाथ नहीं लाया. आपने, आपको प्रभु जिधर काम करने को जगह दिया ना, आप तनख्वाह की चिंता ना करो,
आपसे कोई अन्याय करेगा परमेश्वर अपने आप निपट लेगा, आप उसके लिए रोना धोना नहीं करना। इसराइली उधर से निकले 32 लाख, कुत्ता भी नहीं भौंका, सारा मिस्र को लूट कर निकले। लेकिन ये तो गाना गा, ये तो ऐसे लड़मरे जा रहे हैं, बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते, आखिरी में लाल समुद्र के सामने आ गए और क्या बोलते हैं कि हमें दफन करने की कोई जगह नहीं थी, लाल समुद्र के बीच में से निकाला। और फिर भी कहां सीधे, लाल समुद्र पार नहीं किया, 3 दिन के बाद बोलते मारा, क्या करने लगे कड़वा पानी बोलकर रोना धोना शुरू कर दिया। ये सब सिनाई के पहले, वायदे का युग खत्म नहीं हुआ। लाल समुद्र पार कराए, कड़वे पानी को मीठा किया, फिर बोलते खाने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए भी क्या दिया, मन्ना दिया, वो भी किधर से, स्वर्ग से मन्ना आ रहा, खाने के लिए मन्ना दिया, फिर भी बोलते नहीं अब पीने के लिए पानी नहीं। यानी परमेश्वर कितना भी वायदा करे तो हमारी हालत यही है, कितना प्रभु से भी भलाई पाए तो भी हमारा बुड़बुड़ाना कभी क्या नहीं होता। परमेश्वर अनुग्रह कार्य, इसलिए आज भी हम है। और फिर परमेश्वर इनको सीनाई के पास लाकर बोलते आ गए जी, अब तुमने देख लिया ना मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, है ना, लिखा है ना 19:4। उसका 3 पढ़िए दोबारा, 3 जो मैं मिस्रियां नाल कीता। तू केनू दस, असरालियां ना, याकूब के घराने को, है ना, हां जी जी, पहले क्या बोलता है याकूब के घराने नूं इसराइलियां नूं दस, और इसराइल के संतान को कह दे। इसमें और बहुत बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा। हाँ, 4 भाई तुसा वेख्या जो मैं मिस्रियां नाल कीता अते तुहानू अकाब दे खंभा उत्ते बिठाल के अपने कोल लै आया। इधर हम लोग ये देखने वक्त, ये मैं वो आपको एक और बार ये चीज दिखा दूं, उकाब है ना, परमेश्वर क्या बोलता किसके ऊपर उठा कर लाया, चिड़ियों का राजा है, यही एक पक्षी है जो अपने बच्चों को किधर रखता है, पंख के ऊपर रखता है, क्यों पंख के ऊपर ये क्यों रखता है, इससे ऊपर ना कोई और उड़ता ही नहीं है। बाकी चिड़िये सब अपने बच्चों को किधर रखते हैं, हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि उनसे ऊपर और भी उड़ते हैं, बट यही एक पक्षी है जो बड़े दिलेरी से बच्चों को किधर रखता है, पंख के, इसके ऊपर कोई उड़कर इसके बच्चे को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। और फिर अगर इस बच्चे को मारना है तो सबसे पहले तीर किसको लगना है, मां को लगेगी तभी ना बच्चे को लगेगा, सुरक्षा है, इतना सुरक्षा। और परमेश्वर, व्हेन गॉड सेज समथिंग ही मींस इट, मैंने उकाब की तरह पंखों में उठाया। कितने लोग बर्बाद करना चाहते थे, संभाला। इसी तरह हमारे जीवन में बीमारी कष्ट परेशानी सब आने वक्त भी प्रभु ने अभी तक संभाला, हैज ही बीन फेथफुल। बोलता है मैंने उकाब के पंखों में तुम्हें संभाल कर लेकर आया है। नजर भी देखो ना उकाब का, कैसे चिड़ियों का राजा है, 1.5 मील दूर चूहे को देख सकता है, 1.5 मील 1.5 miles far it can spot a mice, चूहे को। हमें बाइबल इतनी देखने में दिक्कत होती है, तो इसकी आंख क्या है। सो इस सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बोला। तो अभी हम देखते हैं, ये ना विवेक के युग के लोग कैसे थे, देखने में अच्छे लगते हैं ना, पंजाबी में बोले तो सोने लगते हैं ना, इनकी आदत है कुछ भी बोल दो करेंगे, हंसते ही रहेंगे,
इनको मालूम नहीं है चलना कैसे। ये युगों के लोगों के साथ परमेश्वर इतना संभाल कर क्यों चला? कारण दिल के सच्चे हैं, लेकिन चलना कैसे है मालूम नहीं। इसलिए प्रभु इनको धीरे धीरे क्या कर रहा है, चला रहा है। परमेश्वर ने बोला मान लिया, लेकिन मानने के बाद फिर बुड़बुड़ाते थे, हंसते थे। ऐसे थे आबेल, हानुक, नू, अब्राहम, जोसेफ, मूसा भी कौन से युग का है? वायदे का है ना। बाद में ना मूसा कौन से युग में आया? वाचा में। शुरुआत उसका किधर है? वायदे का युग में। But can you look at them? मूसा महल में रहता है, महल में जी सकता था, लेकिन क्या कर दिया? विश्वास से महल को छोड़ दिया। यूसुफ को देखो। So, इतने युगों के लोगों के साथ परमेश्वर इतना सख्त था, तो यू थिंक गॉड परमेश्वर हमारे साथ नरम होगा? इतने युग वाले अब्राहम के साथ, नूह के साथ सख्त था, हमारे साथ कितना अधिक। फिर आगे हम लोग देखें, इनको उठाकर चलता था, संभाला है ना। जैसे बाप ये बच्चे के सामने, बच्चे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि कौन देख रहा है? बाप देख रहा है। इनको ऐसे लेकर आया, आखिरी में सीनाई पहाड़ में आकर परमेश्वर क्या दे रहा है? व्यवस्था दे रहा है। ये व्यवस्था में तीन बातें देखना, किसने दिया? परमेश्वर व्यवस्था दे रहा। परमेश्वर बोलता है तुमने देख लिया ना, अब उसका पांचवा आयत पढ़िए, 19:5। हुण जे तुसीं मेरी आवाज दे स्रोते होवोगे और मेरे नेम दी मनौत करोगे, तां तुसीं सारियां कौमां विच्चों मेरी निजी प्रजा होवोगे, क्यों जो सारी धरती मेरी है। हाँ, इधर आप ध्यान से अभी एक और बात समझना। अब ये जो व्यवस्था का युग आ रहा, इसमें हम लोग आगे सीखना है। ये जो व्यवस्था का युग आया, इसी युग में इसराइल क्या बन गया? एक देश बन रहा। मिस्र से निकले तो मिली जुली झुंड है, बट ये व्यवस्था का युग में सीनाई के बाद ये इसराइल को आप देखना, 12 गोत्र करके हर एक गोत्र का अपना झंडा, लीडर। सबसे आगे कौन जाता था? यहूदा। परमेश्वर इनको सीनाई के बाद ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया, एक फौज बन गई है। 32,00,000 मिस्र में जंगली निकले, लेकिन सीनाई में आकर परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया? पूरा क्रम लगा दिया, पूरा डिसिप्लिन। 32,00,000 को, यहां तक कि इनमें से लोगों को सुबह बाथरूम जाना है, टटी में जाना है, तो हाथ में क्या लेकर जाना? खुरपा लेकर जाना। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डाल दिया था परमेश्वर ने, खाने के विषय में, सब विषय में। ही ऑर्गेनाइज देम इनटू ए आर्मी। ऐसे चलते थे कि दूर के देश के लोग भी इनको चलते देखकर क्या करने लगे? डर गए, भैया ये तो एक फौज है। निकले कैसे थे? अब एक देश बन गया। बना देश किधर? मरुभूमि में। परमेश्वर इनको क्या बना दिया? देश। 12 गोत्र, लीडर्स, मोसेस है, यहोशू है, लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं, पूरा इन लोग का मरुभूमि में सफर में इनको पूरा का पूरा परमेश्वर क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। और फिर इसी व्यवस्था के युग में यह देश अकेला नहीं बने, मरुभूमि का सफर करते करते आकर इन्होंने अपने वायदे किए देश को कब्जे में भी ले लिया। कौन से युग में? वायदे के युग में। प्रॉमिस्ड युग में दे लिव्ड एज स्ट्रेंजर्स, बट वाचा के युग में क्या किया? उसमें परदेशी बनकर रहे, लेकिन वाचा का युग में क्या हो गया? वायदा किया, देश को किधर लिया? कब्जे में ले लिया। लेकिन सिर्फ कब्जे में लिया अकेला नहीं, अच्छी तरह समझना, वायदा किया देश में आ गए, कब्जा में ले लिया, वचन के अनुसार जैसे चलना था नहीं चलने के कारण इसी युग में ये गुलामी में भी चले गए। इसी व्यवस्था के युग में ये किधर भी चले गए? गुलामी में चले गए।
दस गोत्र पहले गए, आखिरी में दूसरे भी गुलामी में चले गए। और फिर जब ये युग समाप्त हो रहा है, ये आजाद नहीं है। जब कलीसिया का युग शुरू हो रहा है, इसराइल आजाद नहीं है, रोमी साम्राज्य का गुलाम है। ये युग शुरू होने वक्त ये गुलाम थे, किसके? मिस्र के। समझ में आया? ये युग समाप्त होने वक्त किसके गुलाम है? रोमी के गुलाम है। ये सब क्यों? जैसे बोला था ऐसे क्या नहीं किए, चले नहीं। सो इधर हम लोग देखते हैं, और इस युग में आए कुछ शूरवीरों के नाम देख लो। Some of the important people who lived under the dispensation of law are these: Moses, Joshua, Samson, Samuel, Saul, King Saul, David, Solomon, Elijah, Elisha, Isaiah, Daniel, Ezekiel, Ezra, Nehemiah, John the Baptist, and many others. Most of the people we read about on the pages of Bible lived during this dispensation of the law. Bible में जितनों के बारे में हम पढ़ते हैं, ज्यादातर कौन से युग के थे? व्यवस्था के युग के थे। समझ में आ रहा है आपको? So ये था सबसे बड़ा युग अभी तक का। में कितने साल लगे? लगभग 1500 साल। और ये लोग इसमें थे। और हिस्ट्री अंडर द लॉ, ये युग में मूसा से क्रूस तक में क्या क्या हुआ? सबसे पहले मूसा के अधीनता में इन लोग मरुभूमि में क्या किए? नंबर वन, वॉन्डरिंग्स इन द विल्डरनेस। कितने साल मरुभूमि में घूमे? 40 साल। नंबर दो, यहोशू के जमवारी में इन्होंने वायदा किया, देश को क्या किया? कब्जे में ले लिया। नंबर थ्री, कब्जे में लेने के बाद इनके ऊपर न्यायियों का एक समय था, जजेस। उसके बाद कौन सा समय आ गया? राजाओं का समय आ गया। राजाओं का समय चलने वक्त असीरिया और बाबुल के साम्राज्य के समय में इसराइल किधर चला गया? गुलामी में चला गया। और फिर जरुबाबेल के समय में इन लोग वापस किधर आ गए? वापस कनान में आ गए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का जो इतिहास किसमें कवर हो रहा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यहोना। सो ये युग हमें किधर से ले जाएगा? एक्सोडस से ले जाकर किधर तक? निर्गमन से किधर तक पहुंचाएगा? यहोना तक। इतना लंबा है। समझ में आ रहा? पहला किताब कौन सा युग? अज्ञानता, विवेक, मनुष्य के राज्य और वायदा। That's only Genesis. Exodus से लेकर जॉन तक कौन सा युग आ रहा है? कौन सा युग आ रहा है? व्यवस्था का युग आ रहा है। तो इनके इस व्यवस्था के युग में हुए घटना आपको क्रम अनुसार समझ में आ रहा है? ये पूरा इतिहास है और आपने ये सीखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये पीरियड हम देख रहे हैं, क्या क्या हुआ? मरुभूमि में घूमे, किसके जिम्मेवारी में? मूसा। नंबर दो, यहोशू के जिम्मेवारी में इन्होंने यर्दन पार कर क्या किया? वायदा किया, देश कब्जे में लिया। फिर कब्जा में लिया देश के ऊपर, इन लोग के ऊपर परमेश्वर ने किनको ठहराए? न्यायियों को ठहराए। न्यायियों के बाद फिर कौन आ गए? राजा। सबसे पहला राजा साउल, फिर दाऊद, फिर ऐसे ऐसे आ गए। फिर ये 12 गोत्र दो में बट गए, 10 अलग जो इसराइल कहलाया, और आखिरी के दो बेन्यामीन और यहूदा, ये अलग कहलाया, एक इसराइल दूसरा यहूदा। 12 कितने में बट गए? दो में। सुलेमान का बेटा के बाद ये डिवीजन हो गया। सो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इन लोग किधर चले गए। सबसे पहले गुलामी में वो 10 गोत्र चले गए, उसके बाद बाबुल के गुलामी में, असुर के गुलामी में कौन चले गए? 10 गोत्र। और बाकी बाबुलोन के समय में, बाबुल साम्राज्य के समय में कौन गुलामी में चला गया? यहूदा और बेन्यामीन गुलामी में चले गए। और फिर जरुबाबेल के समय में ये क्या किए? वापस आए। और फिर इनके ऊपर AD 70 में फिर दोबारा मंदिर को क्या कर दिया है? नाश कर दिया। तो अलग अलग साम्राज्य, इनके समय में आने वाले साम्राज्य कौन कौन से हैं?
which empires were there when Israel was under the law? Number one, सबसे पहले तो आजाद थे, असुर साम्राज्य आया, असीरियन, then came the Babylonian, Babylonian के बाद आया ग्रीक्स, ग्रीस के बाद आया रोमन्स, चार साम्राज्य आ गए। और जब प्रभु यीशु आ रहा है, इसराइल किसके गुलाम है? रोमियों का गुलाम है। इतना आपको समझ में आया? सो इधर हम लोग देखते हैं, अब ये इतना समझ में आ गया आपको? ब्रेक चाहिए? ब्रेक ले लो, बंद कर दीजिए। सो अभी हम लोग उसी वाचा का युग को हम लोग देख रहे हैं। सो इसमें डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, पीरियड ऑफ विल्डरनेस वैंडरिंग। इन लोग किधर घूम रहे थे? मरुभूमि में घूम रहे थे। और परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने वायदा दिया तो भी लोगों को आप देखिए क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। निर्गमन 3:6 पढ़िए, निर्गमन 3:6, 3:6, एक्सोडस 3:6। कुछ अध्याय 10 ओदी 6 आए, नाले उस आख्या, मैं तेरे पिता दा परमेश्वर हां, अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर, ते जकूब दा परमेश्वर हां। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, क्यों जो ओहो परमेश्वर वल देखन तो डरदा सी। देखिए, वायदे के युग में परमेश्वर बोल के रहा, मैं अब्राहम अते इसहाक और याकूब का परमेश्वर। एक एक व्यक्ति का नाम लेकर क्यों बोल रहा? क्योंकि उनके जीवन को देखो, मैंने उनके जीवन में किया कैसे। इंग्लिश में है, मोरओवर ही सेड, आई एम द गॉड ऑफ दाई फादर, गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक एंड द गॉड ऑफ जेकब। तो ये तीन लोगों के जीवन को देखने किस तरह परमेश्वर इनके जीवन में छाया रहा, समझ में आया? इनको आजाद मर्जी दिया है तो भी थोड़ा सा आगे पीछे हटते हैं, परमेश्वर बीच में क्या करता था? हस्तक्षेप करता था और इनको सही रास्ते में लेकर आता था। एक एग्जाम्पल, याकूब के बेटे सब मिलकर यूसुफ को जब आ रहा था ना रोटी लेकर, उन्होंने बोला इसको मार देंगे। ठीक टाइम पर इनमें से सबसे बड़ा रूबेन ने क्या किया? उसे बचाया। और उसे किधर डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। इनका प्रोग्राम था इसको क्या करेंगे? बेच देंगे। रूबेन का प्रोग्राम है इसको थोड़ी देर बाद निकालकर घर बेच दूंगा। लेकिन ठीक टाइम पर परमेश्वर ने उधर से किसको हटा दिया? रूबेन का हटा दिया। रूबेन थोड़ा हटा, इन्होंने उसको निकाला और किधर भेजा? मिस्र में। यानी उसमें भी किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। बेशक हमारे साथ बुराई हो रहा है तो भी उस बुराई में भी किसका हाथ है? परमेश्वर, क्योंकि उस बुराई में हमारे लिए भलाई छिपी है। सो हमारी भलाई कौन सी है? परमेश्वर के योजना में रहना, वो है हमारे लिए भलाई। हमारे लिए दिक्कत किधर होता है? हम बोलते हैं मेरा फायदा। नहीं, आपके लिए भलाई आपका फायदा नहीं, परमेश्वर का फायदा, वो है आपके लिए भलाई। सो जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में हो, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अब यूसुफ 44 के घर में जल्लाद का प्रधान है, आरोप क्या है? इसने बीबी को छेड़ा है, काट डालना चाहिए, लेकिन परमेश्वर उधर भी काम कर रहा है। काट डालने की जगह में किधर है? जेल में। अब जेल से हमारा भाई साहब निकलने का कोशिश किया, वो कटोरे वाले पिलाने वाले से बोला मुझे जरा याद करना, परमेश्वर ने 2 साल उसकी यादगारी क्या कर दी? खत्म कर दी। समझ में आया? और ठीक टाइम पर इसको क्या किया? निकाला। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बोला। एक और एग्जाम्पल, मूसा महल छोड़ा और वो सोचा मैं मारपीट कर इसराइल को क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर बोलता ना, पढ़िए उसका इसी अध्याय का 17 वचन, 3:17। कुछ अध्याय 10 ओदी 17 है, मैं आख्या है कि मैं तुहानू मिस्र दे दुखा तो कनानियां, हितियां, अमोरियां, फ्रिजियां, हिबियां और जबूसियां दे देश विच
ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾਇਆ ਤੁਮਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਦੂਧ ਔਰ ਮਧੂ ਬਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥਾ ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਉਧਰ ਹੀ ਮਕਪੇਲਾ ਕਾ ਕਬਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕਿਧਰ ਦਫਨ ਹੈ ਉਧਰ ਦਫਨ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਕਈ ਥੇ ਜਿਨਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਬੀਚ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਲਟਕ ਜਾਤੇ ਥੇ ਸੋ ਮੂਸਾ ਸੋਚਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਰੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕੀਆ ਮਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕੋ ਬਗਾਇਆ 40 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹਾ ਯਾਨੀ ਆਜ ਤੱਕ ਦਿਨ ਏਕ ਸੇ ਜਬ ਸੇ ਘੜੀ ਨੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਆਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਏਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੇਟ ਸੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਲਾਇਆ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹਰ ਬਾਤ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਤਨਾ ਬਾਰੀਕੀ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬ ਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੇ ਹਟ ਕਰ ਕਿਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਇਲੀਓ ਕੋ ਨਿਰਗਮਨ 19 ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਵਾਇਦਾ ਕਾ ਯੁੱਗ ਇਨਕੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹਾ ਵਾਇਦਾ ਕਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਧਰ ਹੁਆ ਅਬਰਾਹਮ ਕੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸੇ ਲੇਕਰ ਸੀਨਾਈ ਤੱਕ ਅਬ ਸੀਨਾਈ ਮੈਂ ਆਨੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਤਾ ਊਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਇਧਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਊਰ ਹਾਰਾਨ ਸ਼ੇਖੇਮ ਫਿਰ ਬੇਰ ਉਧਰ ਸੇ ਫਿਰ ਆਈ ਬੇਥੇਲ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਕੋ ਵਾਪਸ ਸੀਨਾਈ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕਿਧਰ ਲਾ ਰਹਾ ਸੀਨਾਈ ਮੈਂ ਲੇਕਰ ਆ ਰਹਾ ਸੀਨਾਈ ਮੈਂ ਲਾ ਕਰ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਮ ਦੇਖੇ ਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਿਧਰ ਊਰ ਕਿਧਰ ਹੈ ਊਰ ਸੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਰ ਮਿਸਰ ਮੈਂ ਸੇ ਉਧਰ ਸੇ ਘੁਮਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਕੋ ਕਿਧਰ ਲਾਇਆ ਮਿਦਿਆਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰ ਲਾ ਕਰ ਅਭੀ ਇਧਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਸਰਾਇਲ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇ ਵੀ ਤੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਕਿਆ ਥਾ ਉਧਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸਭ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਭੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ ਨਿਰਗਮਨ 19 ਕਾ 8 ਐਕਸੋਡਸ 19:8 ਅਭੀ ਇਧਰ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਭੀ ਯੁੱਗ ਜਬ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਅਭੀ ਕਿਆ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਕਾ 5 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਐਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਭੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਉ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਓਬੇ my voice indeed and keep my covenant then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people for all the earth is mine dhyan se aap mere sath aana vivek ka yug agyanta ka yug mein jab insaan jab nikla khal ka angrakha pehna diya dono ko phir vivek ke yug mein sab ke liye wo megh dhanush hai vaide ke yug uske baad bhasha ka gadbadi dal diya वायदे के युग में पर्सनल है विश्वास परमेश्वर क्या डिमांड करता है पर्सनल फेथ विवेक के युग में पर्सनल फेथ नहीं है अदन बगीचा से निकालने के बाद व्यक्तिगत विश्वास नहीं है अब आदम परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है फिर भी परमेश्वर ने खाल का अंगरखा पहना दिया समझ में आया जल प्रलय में इंसान से परमेश्वर क्या बांध रहा है वाचा बांध रहा लेकिन वायदे के युग में आ गया तो अब विश्वास करना
तेरे को मेरे वायदे पर विश्वास है? जी विश्वास है. चिन्ह क्या है? व्हाट्स द साइन? खतना करना, सर्कमसिशन. पेनफुल है, दर्दनाक है, समझ में आया? और ये शरीर के उस अंग का खतना है ताकि आप अपनी पीढ़ी को भी ये वायदा, अगली पीढ़ी जो आना है उस पीढ़ी तक तूने ये वायदा पहुंचाना है. टेल योर जनरेशंस, तूने अपनी पीढ़ी को क्या याद दिलाना है? मैं क्या हूं? विश्वास योग्य हूं. सो पेनफुल है. क्यों पेनफुल है? दर्दनाक क्यों है? अंदर अपना कोई इच्छा नहीं पालना. तू अपनी इच्छा पालेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी. मैंने वायदा किया है. क्या वायदा किया? तेरे को एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष का मूल. मेरा एक बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए मैं तुझे वायदा दे रहा हूं. आज बहुत से विश्वासी क्या बोलते? परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया, मुझे कोठी गाड़ी घोड़ा गधा देगा. परमेश्वर का प्रोग्राम आपको सुखी बनाना नहीं है. परमेश्वर की आशीष कौन सी बात में है? उसका प्रोग्राम, आपका दैट्स व्हाई परमेश्वर को आपके प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है. परमेश्वर आपको वैंकूवर में लाया इधर करोड़पति बनने के लिए नहीं, उसका काम के लिए. हाँ, उसके काम में आप जब चलोगे ना, आपको कभी भी किसी बात की कमी नहीं होगी. अभी मैं भी लोगों को जाकर, प्रभु का अनुग्रह हमारा खूबी नहीं, हम जाकर किसी को भी अपनी सेवकाई की जरूरत क्यों नहीं बताते? जरूरत क्या है? मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करना है तो बाकी समय पर बाप क्या करेगा? हाँ, अगर मेरा खुद का सेवा है तो फिर टेंशन किसको लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़े. इसी तरह आप वैंकूवर में हो, सरी में है, आपका ध्यान रहना प्रभु तेरी इच्छा, उससे हटने नहीं देना. बाकी सब कुछ परमेश्वर समय पर. आपका चप्पल घिस गया है, आपको नहीं मालूम. किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है. वायदे हमने पढ़े ना. सो लेकिन ये लोग क्या किए? वायदों को स्वीकार जैसे करना क्या नहीं कर रहे? कर नहीं रहे. पढ़िए 19 का, अभी उसके साथ 24 का 3 और उसमें जाने के पहले हमने अभी जो पढ़ा निर्गमन 19 का 5 में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर तू विश्वास करेगा तो लोगों ने क्या बोला? 8 में हमने क्या पढ़ा? पढ़िए निर्गमन 19 का 8. फिर सारी प्रजा ने रल के उत्तर दिता, लेकिन बोलते क्या? तू जो भी बोलेगा असी करांगे, हम करेंगे. तू नहीं बस बोलना. इंग्लिश में, एंड ऑल द पीपल आंसर्ड टुगेदर एंड सेड, ऑल दैट द लॉर्ड Had spoken, we will do. इनकी भाषा समझ में आई? तूने जो कुछ, पंजाबी में कैसे? फिर सारी प्रजा ने रल के उत्तर दिता, सब कुछ, सब कुछ, एक भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ. तू जो भी बोलेगा वो सब हम करांगे. पंगा क्या है? ये कर नहीं पाएंगे, फिर भी बोलते क्या है? करांगे. इनको अपने ऊपर भरोसा. हमारे साथ का मालूम है? ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं. हम ऐसे पेंडुलम की तरह. एक तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ करूंगा, एक कोना. दूसरा क्या है? नो कॉन्फिडेंस, मेरे से कुछ नहीं होगा. हम ये दो एक्सट्रीम में रहते हैं. या तो मैं सब कुछ कर लूंगा या तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा. परमेश्वर चाहता है तू पेंडुलम की तरह ना रहे, तू बीच में रहे. मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता, अपने से मेरे कुछ भी नहीं होगा. इसराइली बोलते बस तूने जो कुछ बोला ना हम सब करेंगे. इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बस बोलने की देरी है, हम कर देंगे. अब जब नहीं होता ना फिर एकदम क्या बोलते हैं? मेरे से तो कुछ भी
इसराइली उस तरफ का पेंडुल है, मूसा को 40 साल इधर मरुभूमि में घिसा तो आखिरी में वो इस तरफ आ गया। पहले किधर था? पहले उधर था, उधर रहकर मिस्री को मारा, और जब इब्रानियों ने कुछ बोल दिया तो बाबूजी किधर आ गया? इधर। हमारे साथ ऐसी है, कभी फुल कॉन्फिडेंस है, कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं। विश्वासी कौन है? बिल्कुल स्टेबल रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो मेरे साथ है वो सब कुछ कर सकता। इसराइलियों को उस समय खड़े होकर बोलना क्या चाहिए था? हे प्रभु, हमसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम वायदे के अनुसार भी क्या नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, वी कैन डू नथिंग, तू चाहिए तो तू हमारे द्वारा कर सकता। लेकिन पाप अंदर बैठने के कारण इंसान अपनी गलती अपनी कमजोरी मानेगा ही नहीं, बोलता क्या, मैं सब कुछ करूंगा। परमेश्वर बोला कोई टेंशन नहीं, कितने व्यवस्था दे दिए, 613 ने, कई बार 631 बोला, 631 नहीं है, 613 व्यवस्था परमेश्वर ने दे दी। कुल कितने नियम? 613, 31 नहीं, 613। जिंदगी के प्रति सब बातों के लिए इनको क्या दे दिए? नियम दे दिए। और नियम का अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के विषय नियम दे दिया, वचन के विषय नियम दिया, चिन्हों के विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रेम के विषय में, परिवार के विषय में, न्याय के विषय में, खेती बाड़ी के विषय में, कुल कितने? 613 लॉज मानना है, पूरा करना। अभी व्यवस्था का युग में आपके साथ का व्यवहार कैसे है? किसके अनुसार है? ये व्यवस्था के अनुसार है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 5:27-29, व्यवस्था विवरण 5:27-29, ड्यूट्रॉनमी 5:27-29। व्यवस्था सार अध्याय 5 ओदी 27-19 ऐत तक, तू जाके जो कुछ जो होवा साडा परमेश्वर आखे सुन, तां जो सुन तां तू जो कुछ जो होवा साडा परमेश्वर तेरे नाल बोले सानू दस, अते असी सुनांगे अते मन्नांगे, असी सुनांगे अते मन्नांगे, हम मान लेंगे। ये इनका कॉन्फिडेंस है, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर का इनका भरोसा है। पढ़िए निर्गमन 16:19, निर्गमन 16:19, कुछ अध्याय 16:19 आए, मूसा ने उन्होंने आख्या सवेर की कोई रख ना छड़े, पर उन्होंने मूसा की ना सुनी, कई ने उस विचों सवेर की रख छड़िया, सो उस विच कीड़े पै गए अते सड़ियाउण आउण लग पई, तां मूसा उन्हां उत्ते गरंज होया। बोला क्या था पहले? सवेर तक नहीं रख। नहीं, तुसी जो भी बोलेगा असी करांगे। बोला था मन्ना के विषय में सुबह तक कुछ छोड़ना नहीं, फिर भी क्या किया? पर परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसमें क्या लगा दिया? कीड़े लगा दिए। समझ में आया? अगला 22-26, उसी का 22-26, अते यूं होया के छेवे दिन उन्होंने दुगनी खाद इकट्ठी की, अर्थात हर एक दे लई दो उमर, और मंडली दे सारे सरदार आए और मूसा नूं दस्या, उसने उन्हां नूं आख्या ए ओहो ही गल है जेड़ी जहोवा बोलिया सी, भलके जहोवा दे पवित्र सप्त दी मनौता है, सो जो पकाउणा है पका लो, अते जो उबालना है उबाल लो, अते जो बाकी बचे अपने कोल सवेर तीक रख छड्डो। सो उन्हां ने उस नूं अपने कोल सवेर तीक रख छड्डिया ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜੇਹਾਨ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਸੀ,
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਛੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਸਬਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ उनको बोला था सुबह तक नहीं रख छोड़ना, इन्होंने रख छोड़ा, क्या हो गया? कीड़े लगे। अब सबत के दिन तो मिलेगा नहीं, इसलिए उस दिन डबल मिलेगा, उसमें क्या नहीं लगेंगे? कीड़े नहीं लगे। लेकिन सबत के दिन किधर नहीं जाना? बाहर मन्ना लेने नहीं जाना। पढ़िए 27 में। अते यूं होया के सातवें दिन परजा विचों कई इकट्ठा करने नु बाहर गए। क्या बोला था? देखा कितने ढीठ हैं। बोला था नहीं जाना, कल जब मिला था वो डबल हो गया, इतने लालची, अब क्या बोलते हैं आज फिर? इसलिए परमेश्वर इसराइल को चुना है, ये हम किसी और को नहीं देख रहे, अपनी शक्ल देख रहे हैं। इसराइल हमारे लिए शीशा है। अगले दिन फिर दोबारा लेने के लिए चले गए। और 28 ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਬ ਤੱਕ? अब आप देखो, व्यवस्था मिला नहीं था, मूसा ने पत्थर पर व्यवस्था लिखकर पहाड़ से नीचे उतर कर आ ही रहा था, परमेश्वर पत्थर मिला ही था, परमेश्वर बोलता देख इन्होंने क्या बना लिया, देवता बना दी। व्यवस्था लिखकर हाथ में मिला नहीं, इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन बोला क्या, तो जो भी बोलेगा हम करांगे। परमेश्वर का कितना धन्यवाद देना पड़ेगा, हम कितने ढीठ, इसलिए बीच बीच में हमें कोड़े मारता है, छोड़ता, हमें छोड़ने के जगह में क्या करता है, कोड़े मारता है। और फिर परमेश्वर बोलता है, और फिर हम रोने लगते हैं तो बोलता है बाप है ना, प्यार है, इसलिए क्या कर रहा है, मार मार कर हमारी आदत को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है। इधर देखो, व्यवस्था पहले दिन से ही क्या कर रहे हैं, और इतने जोश में तोड़ रहे हैं। बोला था नहीं जाना, फिर भी क्या किए, चले गए। लेकिन बोला गया था अगर तू मानेगा तो तेरे को क्या मिलेगी, उसी का 19 पढ़िए, निर्गमन 19 उसका 6 पढ़िए। कुछ अध्याय 19 6 है, अतः तुसी मेरे लिए ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਬ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸਕਾ 5 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ 5। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ, मनोगे तो तुम एक खास जाति होंगे, कंडीशनल है, नहीं मानोगे तो मरूंगा। इसलिए पुराने नियम में शाप भी है, आशीष भी है, शाप भी है। यह व्यवस्था किसके लिए दिया है, इसराइलियों के लिए ही दिया। कितने नियम, 613। किनको, किनके लिए है, यहूदियों के लिए, इसराइल कौम के लिए ही है। हमारे बहुत से लोग वो वचन को ना समझने के कारण बोलते नहीं, हमने आज भी सब्बत मनाना है। अन्य जाति, यहूदी के हिसाब से कौन है अन्य जाति, यहूदी हमें देखकर ऐसे देखता जैसे कुत्ते को देखता, और हमारे कुछ अजीज बोलते नहीं जी हमने सब्बत मनानी है। मनानी है तो सब मनाओ ना। इसराइल ने बोला तू जो भी बोलेगा हम सब मानेंगे। व्यवस्था में आपको परमेश्वर ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि थोड़ा मानना है, आपने एक तोड़ा तो आपने पूरा तोड़ दिया, यू अंडरस्टैंड। इसमें थोड़ा मानना और थोड़ा छोड़ना कर ऑप्शन व्यवस्था में नहीं है, ये एक जंजीर जैसे है व्यवस्था के नियम। अगर इसमें से एक टूट गया तो जंजीर ही टूट गया। आप ये नहीं बोल सकते नहीं तो मैं बाकी सब मानता था, एक तोड़ दिया, परमेश्वर के नजर में आप कौन है, दोषी। लेकिन हमारे कुछ लोग बोलते जी हमने सबत मानना, एक ही मानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। आपने सबत मानना है तो पूरा पूरा सबत मानना है।
नंबर दो खतना करना है, नंबर तीन अगर ये सब करना है तो आप तो ये भी तो बताओ आप कौन सा गोत्र है, आशेर है, जबलून है, नफ्ताली है, जूदा है, कौन सा है, उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से हम यहूदी हैं अन्य जाति हैं, हम अन्य जाति, यू अंडरस्टैंड। सो आपने व्यवस्था का वो गंभीरता समझना, कंडीशन क्या है, मानना ही है, मानोगे तो आशीष दूंगा, नहीं मानोगे तो शाप भी मिलेगा। सो आगे आप पढ़ लीजिए यरमिया 31 का 32, यरमिया 31 का 32, यरमिया 31:32, ਜਰਮਾਇਆ ਅਧਿਆਇ 31 ਉਹਦੀ 32 ਐਤ। ਉਸ ਨੇਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜਿਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਂਦੜ ਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they broke altogether, I was an husband unto them, saith the Lord. They broke. Yani Parmeshwar ke sath ka vacha ko inhone kya kiya? Tod diya. Padhiye Nirgaman 32 ka 1 se 6, Exodus 32, 1 se 6. ਕੁਝ ਅਧਿਆਇ 32 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਐਤ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਹਾੜੋਂ ਲਹਿਣ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰੂਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਬ ਤੇ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦ ਹਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਹਰੂਨ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹੱਸਣ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਇਧਰ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਇਨਕੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਾ, ਮੂਸਾ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਮੇਂ, ਔਰ ਇਧਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੱਜਸ ਨਿਆਇਓ, ਨਿਆਇਓ 21 ਕਾ 25, ਜੱਜਸ 21:25। ਨਿਆਇਆਂ ਅਧਿਆਇ 21 ਉਹਦੀ 25 ਐ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਗਿਵਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਇਓ 21 ਕਾ 25, ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਥਾ। ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਹਮ ਕਰੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 17 ਕਾ 2, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਗਸ 17:2, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 17 ਕਾ 2, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਦੈਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਈਵਲ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਇਸਰਾਇਲ ਹੂ ਵਰ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ। 15 ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸਕਾ,
ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਔਰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਸਕਾ 19 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਇਤਨਾ ਆਇਤੇ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਉਸਸੇ ਹਮੇਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਭਸੇ ਯੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਯੁੱਗ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਢੀਠਪਨ ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਿਆ ਬਣਕਰ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੋਨੇ ਉਸਕੋ ਵੀ ਕਿਧਰ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕ੍ਰੂਸ ਪਰ ਚੜਾਇਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਨਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ ਟੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋ ਕਿਧਰ ਚੜਾ ਦਿਆ ਸੋ ਇਨਕਾ ਮਨ ਕਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਰਹਾ ਸਮਝਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਜੂਤਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਂ ਜੋ ਮੈਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜੂਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਆ ਕਿਉਂ ਬੈਂਕ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲਰ ਕੋ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰ ਕਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ऐसे थे यहूदी व्यवस्था मानते हैं लेकिन किसको जान से मारा देने वाले को क्रूस पर चढ़ा दिया पिला तो उसको अन्य जाति मानते हैं इसलिए उसकी कचहरी में जाते नहीं लेकिन बाहर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं इसको किधर चढ़ा दो क्रूस पर चढ़ा दो इंसान की हालत समझ में आ रही है क्या परमेश्वर का वो प्रेम परमेश्वर का दया आपको समझ में आ रहा है शुरू में बोले क्या तू जो भी बोलेगा हम तू जो भी बोलेगा हम करेंगे वही ना बोले लेकिन व्यवस्था देते ही इसको क्या कर दिया तोड़ दिए बड़ी बड़े जोश से तोड़ते सोने का बछड़ा बना दिया उसके बाद मन्ना का मैंने आपको बताया यानी ऐसे चलने के कारण परमेश्वर को जो मार भी इनको पड़ा परमेश्वर चुप नहीं रहा ये जैसे टेढ़े होते थे वैसे इनको क्या भी पड़ती गई मार भी पड़ती गई ये बीसी 722 में बीसी 722 में 10 गोत्र गुलामी में चले गए आज तक कोई आइडिया नहीं है किधर है 12 गोत्र इसराइल में ईसा पूर्व बीसी 722 10 ट्राइब्स किधर चले गए गुलामी में एंड दे आर कॉल्ड द लॉस्ट ट्राइब्स 12 में से 10 गुम हो गए आज तक पता ही नहीं चला उसके बाद बीसी 586 में बीसी 586 यरूशलेम का मंदिर भी खंडर बन गया नेबुकदनेज़र बादशाह के समय बैबलोन साम्राज्य के समय बचा हुआ 2 गोत्र भी क्या हो गया गुलामी में चला गया और एडी 70 में यीशु आकर जाने के बाद हेरोदा ने बनाया मंदिर पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहा आज तक मंदिर नहीं 3 घटनाएं समझ में आ रही इसलिए इनको सजा आने के पहले परमेश्वर नबियों को भेजता था थोड़ा आपको आइडिया लगा एलिया आकर बारिश क्यों रोक दिया ये किधर चले गए परमेश्वर की इच्छा से चले गए परमेश्वर सजा देने के पहले इतना दयालु है किसको भेजता था नबियों को भेजता था लेकिन इन्होंने नबियों को मारा पीटा आहाब शादी कर किसको लाया यसबेल को लाया और यह हालत होगी कि यह बोलने लगे कि जो स्वर्ग से आग उतारेगा उसको हम क्या कर लेंगे मान लेंगे परमेश्वर का क्रोध वो वेदी पर गिरा वेदी मिलाई नहीं यरमिया यशाया एजेकेल दानियल आमोस
ये सब नबी मीका एक एक आकर कितना इनको चेतावनी दिया तो भी ये क्या हो गए, ढीठ होते गए। उसके कारण क्या हो गया, पूरे इसराइल को परमेश्वर क्या किया, 10 गोत्र पहले, बाद में 2 गोत्र भी क्या हो गए, गुलामी में चले गए। फिर इनको थोड़े समय बाद फिर खींच कर लाता था, छोड़ नहीं दिया, मारता था, कूटता था और फिर वापस लेकर आता था, फिर जब नहीं चलते थे फिर मारता था। इसलिए आप ये किताब पूरा बाइबल पुराना नियम देखोगे तो कितनी मार पड़ती है, चाहिए आपको भी चाहिए, इसलिए लिख कर दिया इतना किताब, निर्गमन से लेकर यहुन्ना तक मेरे लिए और आपके लिए सबक है। जैसे बोला है नहीं चलेंगे तो छोड़ेगा नहीं, मार मार कर क्या करेगा, चलाएगा, कारण वो अपने वाचा का पक्का है। सो व्यवस्था का युग अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी हम लोग उसमें प्रभु की मर्जी, कल सुबह हम जाएंगे। ये चल क्यों नहीं पा रहे, आज हमने क्या देखा, ये युग का शुरुआत हम युग को इन जनरल देखे, कितना साल लगा, 1500 साल, कितने नियम, 613। बोला क्या, तू जो भी बोलेगा हम करेंगे, लेकिन पहले दिन से बड़ी खुशी से सब तोड़ने में लगे, सब अपनी मर्जी में चलते हैं। और ये युग है जिसमें हमने कुछ बड़े लोगों, मतलब शूरवीरों को देखा है, कौन कौन है, मूसा, यहोशू, सिमसोन, सामुएल, साउल, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिशा, यशाया, दानियल, एजेकियल, एज्रा, यानी ऐसे ढीठ समय में आए हुए लोग हैं ये, जिनको परमेश्वर ने हाथ में लेकर लोगों को क्या दिया, चेतावनियां दी, फिर भी ये माने नहीं माने, फिर भी मर, और आखिरी इनको हद पार कब किया इन्होंने, जब सर्वशक्तिमान को खुद किधर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ा दिया, और फिर बोलते हैं उसका खून हमारे और हमारे, फिर भी क्रूस के उधर हम एक आवाज सुनते, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम देखें कि कितना इंसान को क्या किया, प्रेम किया। सो इस युग में परमेश्वर का व्यवहार आपने देखा, हम लोग जल्दी से इसको मुड़ कर देखते हैं, कब से है सीनाई, लेंथ ऑफ डिस्पेंसेशन सीनाई से क्रूस तक, इसका फेवरेबल बिगनिंग क्या, परमेश्वर ने इनको व्यवस्थाएं, इनको खुद नियम बनाने को नहीं बोला। अब देखिए इससे पहले भी परमेश्वर ने नियम दिए थे, दिए नहीं दिए, आदम को नियम दिया था, नूह को भी दिया ना, अब्राहम को भी दिया, लेकिन अभी तक किसी और को कभी भी ऐसा एक नियम का सेट बनाकर नहीं दिया। इनका सिर्फ काम क्या था, इसको मानकर चलना, और चलते थे। उदाहरण यहुन्ना के मां बाप व्यवस्था के विषय में क्या थे, धर्मी थे। जिसको चलने का मन है उसको परमेश्वर क्या करता था, चलने में मदद भी करता था, लेकिन ज्यादातर की इच्छा क्या है, इसको कैसे ना कैसे तोड़ना, व्यवस्था दिया हमने तोड़ना। सो इसके बाद परमेश्वर ये व्यवस्था देने वक्त खुद ना सिनाई में प्रकट हुआ, किसी और को नहीं भेजा। जब अब्राहम के पास आया तो खाना खाने के लिए आया, कोई पहाड़ हिला नहीं, लेकिन सीनाई में पूरी महिमा कैसा, पूरा महिमा बोलने से इंसान को समझने के हिसाब से सीनाई धुएं से क्यों भर गया, ताकि इनको समझ में आए कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और कितना महान है, और ये उसके सामने जान लेकर भाग गए। सच है परमेश्वर का सामर्थ्य इन्होंने देखा, फिर भी व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बोलते हैं मानेंगे लेकिन मान नहीं पा रहे। उसके आगे परमेश्वर ने इनको चंगाई का वायदा दिया, आशीष का वायदा दिया, इसमें आप देखिए ना फेवरेबल बिगनिंग, इनका शुरुआत कैसे, परमेश्वर ने अगुवाई किया, परमेश्वर सीनाई में लाया सबसे पहला, नंबर 2 इनको क्या दिया, व्यवस्था दिया, नंबर 3 परमेश्वर खुद प्रकट हुआ, नंबर 4 परमेश्वर ने इनका खाने का सबका इंतजाम भी किया है, इनको चंगाई का वायदा भी किया, चंगाई भी करता था, आशीष भी दिया ना, शारीरिक संसारिक आशीष भी दिया है। अगला टेस्ट क्या है, परमेश्वर के
इधर लिखा है 2713 वायदों को, दीज आर द कमांडमेंट्स। लॉ में कितने हैं? 613 स्पेसिफिक लॉज, उसके साथ कनेक्टेड है बाकी सब। इन सबको क्या करना है? मानना है, नहीं तो क्या भी आएगा? सजा भी आएगा। पर्पस क्या था? मसीह के आने तक चलने के लिए इनको क्या दे दिया? नियम दे दिया। फिर ये नियम को पालन करने के लिए परमेश्वर ने किन किन को भेजा? व्यवस्था है, न्यायी है, नबी है, और कौन भी है? राजा भी। क्या क्या है इस युग में? व्यवस्था, न्याय, नबी और राजा। लेकिन इंसान के साथ हुआ क्या है? ना तो अगुए और ना ही लोग इस व्यवस्था को क्या कर पाए, मान पाए। राजा भी नहीं मानते, प्रजा भी नहीं मानती। समझ में आया? और फिर न्याय किसके ऊपर आया? इसराइल के ऊपर भी आया, संसार के ऊपर भी आया। आखिरी में उद्धार का रास्ता कैसे? पिछले युग में उद्धार का रास्ता क्या था? नहीं, पिछला वायदे के युग में, व्हाट वाज द पिछला युग में परमेश्वर ने दिया हुआ रिडेम्पशन क्या था? खून, ना खून और छुटकारा। खतना किसका था? चिन्ह था। लेकिन इसमें उद्धार का चिन्ह, निशानी क्या था? खून, बकरे का खून। इस युग में उद्धार का रास्ता बकरे का खून नहीं, क्रूस है। समझ में आया? अदन बगीचा में क्या था? चमड़े का, स्त्री का संतान आएगा। कंपेयर कर आप देखिए, अदन के बगीचे में स्त्री का संतान। वायदे के, विवेक के युग में क्या है? विवेक के युग में प्रोविजन क्या है? जहाज, द आर्क। मनुष्य के राज्य का भाषा का क्या कर दिया? गड़बड़ी डाला, है ना? ऐसी है ना? ह्यूमन गवर्नेंस सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स है। भाषा का गड़बड़ी डाला तो भी इन लोग क्या कर सकते हैं? अदन बगीचा में क्या था? प्रॉमिस, कौन आएगा? स्त्री का, द प्रॉमिस रिडीमर। विवेक का युग में कौन है? जहाज। मनुष्य के राज्य के युग में क्या है? बलि चढ़ा रहा, ठीक है। प्रॉमिस के युग में क्या है? दरवाजे के ऊपर क्या लगाया? खून लगाया। विवेक का, वाचा का युग में क्या है? क्रूस है। सो अभी तक के ये सब जो चिन्ह थे, एक एक कर किसकी ओर दिखा रहे थे? क्रूस की ओर दिखा रहे थे। वो वायदा, वो जहाज, वो बलि, वो खून, सब किसकी ओर निशाना है? क्रूस की ओर है। यू अंडरस्टैंड? सब में वायदा किया ना, और आखिरी में क्रूस में उद्धार का मार्ग भी हमारे लिए तैयार कर दिया। अब प्रभु की मर्जी, कल हम इसमें और भी गहराई में जाएंगे कि ये व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था ने किया क्या, एक एक युग अगले युग के लिए तैयार कर रहा था। अज्ञानता का युग किसके लिए तैयार किया? विवेक के लिए। विवेक किसके लिए तैयार किया? मनुष्य के राज्य के लिए। मनुष्य के राज्य ने किसके लिए? वायदे के लिए। वायदे ने किसके लिए? व्यवस्था के लिए। व्यवस्था किसके लिए तैयार कर रहा है? कलीसिया के लिए, अनुग्रह का युग। और अनुग्रह का युग किसके लिए तैयार कर रहा है? परमेश्वर का राज्य के लिए। हाउ? स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर लोगों को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। इतना आपको समझ में आया? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हम इस व्यवस्था के लंबे युग को देख रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर चला रहा है, वायदा दिया, सजा भी दे रहा है। कारण लोग चल नहीं पा रहे, चलना चाहते नहीं। बोलते हैं तू जो भी बोलेगा करेंगे, लेकिन करते नहीं। इसी तरह आज भी विश्वासी, प्रार्थना तो बहुत हम करते हैं, लेकिन चलने की बात आती है हम चलते नहीं, चलना चाहते नहीं। ये नहीं कि चला जाता नहीं, हम चलना चाहते नहीं। इसलिए परमेश्वर कई बार हमें डंडे मारता,
अच्छी मार पड़ती है। हमने देखा इसराइलियों को कैसे गुलामी में भेज दिया, लेकिन भेजने के पहले चेतावनी भी दिया, नबियों को भेजा, कितने घटनाएं हुए, फिर भी जब ढीठ रहे, जब वायदा विश्वास नहीं किया, कैसे नाश हुए। 32 लाख मिस्र से निकले, उनमें से केवल दो ही कनान में पहुंचे, बाकी सब वो 32 लाख के बच्चे हैं। लाल समुद्र पार किए हुए सबको मरुभूमि में ढेर बनाया, क्योंकि विश्वास नहीं किया। जैसे चलना है नहीं चले, जान से मारा। जिसने मिस्रियों को मारा, उसने इसराइलियों को लाल समुद्र के बाद मारा। कितनी कब्रें मरुभूमि में पड़ी हैं। हालेलुया। ये सब जब हम सीखते हैं, परमेश्वर के आदत को समझें, वो अपने कार्य में स्पष्ट नजर रखते हुए अपना काम करता है, थोड़ी सी भी चूक नहीं। हमारे हाथ में वो वचन दिया, भय और भक्ति के साथ हम उसके साथ चले। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे इस गहरे वचनों के लिए, तेरे मार्गों के लिए, तेरी योजना के लिए धन्यवाद देते हैं बाप। तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना को समझ के चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। ये वचनों को और भी तू हमें खोल कर दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।